हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड का एनालिसिस। तो गोल्ड लास्ट ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन 52,071 पे क्लोज हुआ है, लगभग 175 रुपीस गेन के साथ। और यहाँ हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ इस महीने गोल्ड जो है तो फ्लैट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, लगभग 100 रुपीस लॉस के साथ। मगर जहाँ खुले थे उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको ब्लू कैंडल दिख रही है। लास्ट मंथ जो है तो हमने 2.8% के गेन देखे थे, 1400 रुपए के गेन के साथ गोल्ड बंद हुआ था। हालांकि ऊपर के लेवल से हम अच्छे खासे करेक्ट भी हुए, मगर फाइनली क्लोजिंग जो है तो गेन के साथ हुई। उससे पहले जो है तो फेब में हमने लगभग 6.5% के गेन देखे थे, लगभग 2100 रुपए के गेन के साथ गोल्ड बंद हुआ था। तो यहाँ जो है तो बुलिश स्टांस होल्ड कर रहा है गोल्ड। और यहाँ जब तक गोल्ड 51,000 के ऊपर है, यहाँ मुझे लगता है कि आपको बुलिश स्टांस ही रखना चाहिए। एज पर मंथली चार्ट मुझे लगता है कि गोल्ड एक बार 52,950 और 53,000 के लेवल टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ मंथली चार्ट पे मुझे स्ट्रांग दिख रहा है गोल्ड, और यहाँ हमारी बाइंग की सलाह रहेगी। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो, वन सेक लोड हो रहा है। तो हमने जो है तो सभी इस साल के सभी टारगेट अचीव करने के बाद एक करेक्शन दिया, करेक्शन के बाद फिर से यहाँ रिवर्सल आ रहा है। तो हो सकता है कि हमने R3 को टच नहीं किया, तो इस बार R3 को टच करने के लिए जा सकते हैं। और यहाँ 55,800 के लेवल जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में आपको दिखाई दे सकते हैं। यहाँ जो है तो आप देख सकते हो कि जहाँ सपोर्ट था 51,000 का, वही हमने सपोर्ट लेकर वहाँ से रिवर्सल दिया है। तो नीचे की तरफ जो है तो 50,800 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। उसके ऊपर जो है तो मुझे लगता है कि गोल्ड में बुलिश रहना चाहिए। आपके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 52,950 और उसके बाद में 55,800 के, और ये मीडियम टू लॉन्गर टर्म टारगेट है। जब तक गोल्ड प्राइसेस 50,800 के ऊपर है तब तक आपको बुलिश ही रहना है मीडियम टू लॉन्गर टर्म में। वीकली चार्ट भी बुलिश लग रहा है इंडिकेटर प्राइस वाइज। तो यहाँ हमारा बाइंग की सलाह रहेंगे, यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा विद द स्टिक स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हमने जो है तो एक अच्छा खासा करेक्शन दिया। करेक्शन के बाद में जो 50 डेज का एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद हम यहाँ से बाउंस बैक करें, तो ये एक अच्छा खासा सिग्नल है। मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेज जो है तो हमें 52,950 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 54,700, उसके बाद में 55,800 के। तो ये दो टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले समय में, अगर हम 52,950 के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं तो। मैक्सिमम रेंज जो है तो इस महीने के लिए गोल्ड की 57,990 की, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कुछ बुरा हुआ वार सिचुएशन में, या फिर ये जो है तो ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, या फिर इन्फ्लेशन की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब हो गई, तो आपको ये भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि गोल्ड जो है तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट का हेज है, तो यहाँ आपको अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम 58,000 के भी लेवल देख सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, 2-5% सिर्फ, मगर कह नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन जो है तो बहुत ही फ्लूइड है, डायनामिक है, और कुछ भी चीज़ें हो सकती है। उसके वजह से यहाँ जो है तो शॉर्ट कवरिंग अगर ट्रिगर हो गए तो आपको जो है तो ऊपर के भी लेवल आते हुए देख सकते हैं। मगर यहाँ आप जो है तो 52,950 का लेवल जो है तो या टारगेट जो है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ हमारा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा, हम जो है तो गोल्ड में बाइंग करेंगे डिप्स पे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 51,300 के नीचे। आपको जो बाइंग करनी है वो 700-500 के बीच में करनी है, 300 के नीचे स्टॉप लॉस। और जो टारगेट रहेगा वो 52,950 का रहेगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 54,700 का, और उसके बाद में 55,800 का टारगेट भी हमें गोल्ड दिखाई दे सकता है। तो यहाँ प्राइस वाइज और इंडिकेटर वाइज भी शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी बुलिश लग रहा है मुझे, और एक अच्छा खासा बॉटम बनाने के बाद रिवर्सल दिया है। तो यहाँ मिनिमम आपको 52,950 का टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहिए, बड़े टारगेट जो है तो 54,700-55,800। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कमोडिटी में श्योर शॉर्ट कॉल चाहिए तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.